बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर हर एग्जाम में ज़्यादातर आते ही रहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कौन सा लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, लोसांग महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों, बताएं जल्दी। उत्तराखंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश? जल्दी बताएं। तो लोसांग महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों सिक्किम में। सिक्किम की राजधानी क्या है? क्या है? गंगटोक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे विशालकाय पशु कौन सा है? सबसे विशालकाय पशु आंसर होगा ब्लू व्हेल। सबसे विशाल का है पशु ब्लू व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फल? जल्दी बताएं दोस्तों इसका आंसर। इसका आंसर है आम। दादा ये उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश राज्य राजकीय फल। ओके, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कौन सा? गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया ये है तुम्हारा मुंबई। और दिल्ली के अंदर क्या है? इंडिया गेट ओनली। ओके, बढ़ते हैं आगे। हाँ, भारत की राष्ट्रीय मिठाई, इसमें क्या पूछा है? भारत की राष्ट्रीय मिठाई, तो भारत की राष्ट्रीय मिठाई है दोस्तों जलेबी। क्या है? जलेबी, जलेबी। सेकंड क्वेश्चन सही। ओके दोस्तों, बढ़ते आगे। सबसे बड़े पक्षी का क्या नाम है? सारस। सबसे बड़े पक्षी का नाम सारस, शुतुरमुर्ग, बाज या फिर बतख? दोस्तों सबसे बड़े पक्षी का नाम है शुतुरमुर्ग। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 312, 206, 214, 204? कितनी होती हैं दोस्तों? तो ये होती हैं 216। कितनी होती हैं? 216। ओके, ये ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य, भारत का छोटे सा गोवा दिया है इसमें। गोवा है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा गोवा। ये भी है क्षेत्रफल में, किसमें? क्षेत्रफल में। अगर जनसंख्या की बात करें तो, जनसंख्या की बात करें तो ये होगा तुम्हारा सिक्किम। कौन सा? सिक्किम, ध्यान रखना सिक्किम क्षेत्रफल में सबसे
ओ जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है तुम्हारा उत्तर प्रदेश जनसंख्या में, तो इसका आंसर कौन सा हुआ? गोवा। विश्व की सबसे लंबी नदी? विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन, नील नदी, ब्रह्मपुत्र या गांधी नदी? नदी। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा नील नदी। ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, याद रखें, विश्व की सबसे लंबी नदी। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कहा था गोपाल कृष्ण गोखले ने। ओके दोस्तों, कहाँ की सरकार ने हाल ही में इस्तीफा दिया? ये दिया दोस्तों महाराष्ट्र। कहाँ से? महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? गाय, कुत्ता, घोड़ा, गधा, हाथी। तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? गाय। सोना कितने सोना कित जो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। कितना? 24 कैरेट का शुद्ध सोना। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? और दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की बात करें तो रूस। कौन सा है? रूस। अगर जनसंख्या की बात करें तो चीन, ध्यान रखना। तो रूस किस में? क्षेत्रफल में और जनसंख्या में चीन प्रथम, ध्यान रखना दोस्तों। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कहाँ का? उत्तर प्रदेश राज्य का उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस, याद रखना। क्या है? सारस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? जो आंसू होता है, आंसू हमारे जो आंखों से निकलते हैं, उसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है? उसमें पाया जाता है दोस्तों सादा नमक, चीनी, स्टार्च, तो उसमें पाया जाता है साधारण नमक। सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश में है? सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है भारत के अंदर, ध्यान रखना दोस्तों, भारत के अंदर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। हाँ, भारत की सबसे पवित्र नदी? बहुत ही आसान क्वेश्चन, गंगा। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? कहाँ का? भारत का। किसमें? चाय में अग्रिड है, वह तुम्हारा असम राज्य। कौन सा? असम। असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर, ध्यान रखना दिसपुर। हाँ, कंप्यूटर के महापिता, तो कंप्यूटर के महापिता कौन से हैं? चुई पास, लुई पाश्चर, चार्ल्स बेबेज, थॉमस एल्वा एडिसन या ग्राहक ग्राहम बेल? तो इसके हैं चार्ल्स बेबेज। ओके दोस्तों, मसालों की रानी किसे कहा था? मसालों की रानी हींग, लौंग, इलायची, केसर, ए बी सी डी, क्या है इसका आंसर? इसका आंसर होगा दोस्तों इलायची, ये है मसालों की रानी। हाँ, पुनेन औषधि किस पौधे से प्राप्त होती है? क्या? पुनेन औषधि, और ये हमारे मलेरिया के काम में यूज होती है। किसमें? मलेरिया में। तो इसका आंसर होगा सिलिकोना प्लांट, जो सिलिकोना प्लांट की छाल होती है ना, उससे पुनेन औषधि बनाई जाती है। किसमें काम आती है ये काम आती है मलेरिया में दोस्तों। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। हाँ, ध्यानचंद ट्रॉफी किस से खेल से संबंधित है? तो ध्यानचंद ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है? वो है हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट। इसमें देखो आंसर भी दे रखा है, सबसे ज़्यादा हाई परसेंटेज में दे रखा है 93% दे रखा है ना, तो यही है हॉकी। ध्यानचंद ट्रॉफी मिलती है वो, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? वो है हॉकी से, और ये इसी हॉकी खेल में ही ये ट्रॉफी प्राप्त होती है। ओके तो आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला जो अंतरिक्ष यात्री था, जो हमारी भारत की एक ऐसी महिला थी जो अंतरिक्ष में प्रथम बार सबसे पहले गई थी, उसका नाम है कल्पना चावला, सुनीता विलियम, दर्शन रंगनाथ या अवनी चतुर्वेदी? उसका नाम है कल्पना चावला।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश राजकीय पशु, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारह सिंगा, सीहल शेर बारह सिंगा, तो इसमें बारह सिंगा ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा ग्रह शनि, पृथ्वी, शुक्र या बृहस्पति, तो इसका आंसर है बृहस्पति। और शुक्र क्या है, पृथ्वी की बहिनी या बोझ का तारा या कुछ भी, जो क्या है शुक्र। और सबसे बड़ा ग्रह क्या है, बृहस्पति, ध्यान रखना है। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ उपस्थित है, ईडन गार्डन स्टेडियम है तुम्हारा कोलकाता, कोलकाता कहाँ का पार्ट है, ये कोलकाता है तुम्हारा पार्ट, कोलकाता कहाँ का पार्ट है, कोलकाता पार्ट है तुम्हारा बंगाल का, पश्चिम बंगाल का। ओके नेक्स्ट, ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, अच्छे से इन्हें रिपीट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और लोग सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ दोस्तों।